ताजमहल देख के वो इतने खुश थे कि उन्होंने मीडिया को वहीं से आवाज़ लगाई जो फोटो खींच रहे थे, और दे सेड इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मीन्स अद्भुत, अतुल्य। ताजमहल देख के वो इतने खुश थे कि उन्होंने मीडिया को वहीं से आवाज़ लगाई जो फोटो खींच रहे थे, और दे सेड इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मीन्स अद्भुत, अतुल्य। चाइना बेंच को लेके उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन मैंने उनको जानकारी दी थी जब 1962 में मिसेस जैकलिन आई थी, जैकलिन कैनेडी आई थी, जो कि उस समय फर्स्ट लेडी थी यूएसए की, तो उन्होंने उस बेंच के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचाया था। और बाद में लेडी डायना ने उस पिक्चर को देख के इतना इम्प्रेस हुई थी, उस पिक्चर को देख के उन्होंने इंस्पिरेशन ली और उन्होंने डिसाइड किया कि अगर मैं कभी ताज गई तो यहाँ पे फ़ोटो ज़रूर खिंचाऊंगी। तो उन्होंने उसी बेंच पे बाद में बैठ के फ़ोटो खिंचाया, जिससे बाद में वो बेंच डायना बेंच के नाम से प्रसिद्ध हुई। डबल डोम स्ट्रक्चर के बारे में बड़ी उत्सुकता दिखाई जब मैंने उनको बताया कि ये एक सिंगल डोम स्ट्रक्चर नहीं है, डबल डोम स्ट्रक्चर है, और इनके बीच में जगह खाली है जिसकी वजह से यहाँ पे वॉइस एको होती है, गूंजती है आवाज़। तो उससे वो बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये एक ही डोम है, जो बाहर से दिखाई देती है वही अंदर से है, लेकिन डबल डोम स्ट्रक्चर के बारे में उनको बताया तो उससे खुश हुए। उनके सवाल आते थे कि क्या हुआ इस एम्परर के साथ में जिसके बेटे ने उसको कैद किया, तो फिर उनको मैंने पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उसको मुसम्मन बुर्ज में, आगरा किले में कैद किया गया, और आखिरी के अपने जीवन के 8 साल उसने वहीं काटे। उसके बाद में उसकी मौत के बाद उनकी बेटी ने, शाहजहाँ की बेटी जहान आरा ने उनको यहाँ पर दफनाया, तो उससे वो बड़े एक उनको अजीब सा लगा कि इतना जो बड़ा बादशाह था जिसने इतना बड़ा मकबरा, इतना खूबसूरत मकबरा बनवाया, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी 8 साल उसने एक कैदी की तरह आगरा किले में बिताए।